नागौर जिले के कुचामन सिटी से अगली खबर है, जहां रश्मि गौड़ की हत्या होने के 7 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक हथियारों तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे जिले भर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी सिलसिले में कुचामन सिटी में सर्व समाज की बैठक में 24 जुलाई को कुचामन बंद रखने का फैसला लिया गया है, जिसमें सभी सामाजिक व व्यापारिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने सहयोग की सहमति भी दी है। करीब 100 से ज़्यादा संगठन प्रतिनिधियों ने शांतिपूर्ण तरीके से बंद की पैरवी के साथ ही बंद के दौरान भजन कीर्तन कर सरकार और पुलिस प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। महासभा के तहसील अध्यक्ष घनश्याम गौड़ ने बताया कि बस स्टैंड पर पूरे दिन शहरवासियों की ओर से भजन कीर्तन किया जाएगा। वहीं उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। कुचामन की समिति बार बार उनसे पूछ रही है तो यही कह रहे हैं कि जांच चल रही है, हम कोई क्लू नहीं दे सकते हैं आपको, इसके अलावा कोई संतुष्टपूर्वक जवाब नहीं दे रहे हैं। आज हमने सर्व समाज की यहाँ मीटिंग बुलाई है, इस पर क्या निर्णय लिया जाए। इसमें व्यापार मंडल भी साथ था और सभी समाजों के सभी विभागों के व्यक्ति यहाँ पे मौजूद थे। इन्होंने ये निर्णय लिया है कि हम मंगलवार को पूरा कुचामन 24 तारीख को कुचामन बंद रखेंगे। आपको बता दें कि कुचामन में रश्मि गौड़ की मौत को 7 दिन बीत चुके हैं। कुचामन सिटी SDM ऑफिस के सामने घर में घुसकर दरिंदों ने उस पर 7 दिन पहले हमला किया था। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। हर बार गहन पड़ताल का दावा करने के बाद भी पुलिस की जांच में कोई खुलासा नहीं होने से गुस्साए सर्व समाज के लोगों ने अब आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। दूसरी ओर पुलिस मामले में अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। पुलिस का कहना है कि जांच जो है जारी है। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। 7 दिन में पुलिस 1.5 दर्जन बार यहां आ चुकी है, परिजनों से भी कई बार पूछताछ की, लेकिन इस बारे में पुलिस किसी भी प्रकार की जानकारी देने से बचती नजर आ रही है। पुलिस क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर और बदमाशों की कुंडली भी खंगाल रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कुचामन थाने के आधा दर्जन हिस्ट्री शीटों की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है। आज जो बैठक आयोजित हुई उसमें सर्व समाज, शहर के सभी व्यापारिक संगठन, दूसरे संगठन, सब लोगों ने मिलकर यह तय किया है कि 24 तारीख को कुचामन पूरे दिन बंद रहेगा। बंद के दौरान धार्मिक कार्यक्रम भी होंगे, भजन कीर्तन भी चलेगा, ताकि प्रशासन और इस बहरी सरकार को मैसेज आए कि दिन दहाड़े जो कुचामन में जिस बहरमी से एक बेटी की हत्या हुई है उसकी सूद ना तो सरकार ने ली है ना पुलिस ने ली है। 24 तारीख को हमारे बंद के बाद हर रोज हमारे इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रवक्ता विजय महर्षि ने कहा कि रश्मि को न्याय दिलाने में प्रशासन विफल रहा है, ऐसे में मजबूर आंदोलन को तेज किया जा रहा है। अब कुचामन समेत प्रदेश के कई शहरों में बंद का आह्वान कर प्रदर्शन किया जाएगा। राजपूत समाज प्रतिनिधि दलपत सिंह गच्छीपुरा ने कहा कि यह सभी के लिए सोचने का विषय है। घटना शहर पर कलंक है, हथियारों को सजा दिलाना जरूरी है। पुलिस को हमने पूरा समय दिया, जांच में सहयोग किया, अब तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है, लेकिन इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। ये जो घटना हुई है ये इस गांव पे एक बदनुमा दाग के रूप में नजर आएगी आपको। जो उभरता हुआ शहर है, जो शांति के लिए जाना जाता है, जिसको लोग कुचाई अमन बोलते हैं, वो आज कुचाई हत्या हो गया, तो इस पे हम सब लोग शर्मिंदा हैं। और इसके लिए हम सबको मानवीयता के आधार पे अपने दिल पे लेके हमारी बेटी गई है, हमारी बहन गई है, ये सोच के हम एक अहिंसात्मक आंदोलन और कार्यक्रम चलाना चाहिए, जिससे हमारे इस कस्बे की शान बची रह जाए और हमारी सुख शांति बची रहे।